Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Chandan Kumar, physics faculty, Goal Institute. Today we will discuss solution of AITS flashback 04 which was held on 10th of December 2023. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज पेपर हमारे पास ही है, साथ में है, स्क्रीन पे ही है, तो यहीं पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे. तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं. ई डिनोट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म कंडक्टर आई, कॉरेस्पॉन्डिंग करेंट through it, Vd drift velocity of electron and P denotes thermal power produced in the conductor. Then which of the following graph is incorrect? है ना, इनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सा graph जो है वो incorrect है. यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि I जो है वो current को represent कर रहा है, Vd जो है वो drift velocity को represent कर रहा है, P जो है thermal power को represent कर रहा है, और हमें ग्राफ बताना है इनके बीच में. एक और चीज़ है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ग्राफ को हम चेक करेंगे. चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इन सबके बीच में रिलेशन क्या है. तो चलिए देखते हैं. तो पहला ग्राफ हमारा है वी डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. तो वी डी का हम लोग जानते हैं कि वी डी होता है ई ई अपॉन एम इंटू टाऊ, है ना. तो आप देख सकते हैं कि वी डी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के. मतलब ग्राफ जो है वो कैसा होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन. और पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो ये सही है. ठीक है, है ना. दूसरा देखते हैं. दूसरा ग्राफ जो है हमारे पास है पावर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में. तो पावर का क्या रिलेशन होता है जी, तो पावर का रिलेशन होता है वी स्क्वायर बाई आर. यहाँ पे जो मैं वी लिख रहा हूँ ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी. अब V को हम लोग लिख सकते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर L है तो E इंटू एल लिख सकते हैं, का स्क्वायर अपॉन R, है ना. तो आप देखेंगे कि जो P है वो प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर है. P जो है वो प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर है. मतलब ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोला ग्राफ होगा, पैराबोला. और पैराबोला ग्राफ है भी, है ना. तो यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं. और यहाँ पे है P और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में ग्राफ. तो P हम लोग देख रहे हैं कि P है प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के, और हम लोग जानते हैं कि Vd इज प्रोपोर्शनल होता है E, अभी पहले देखा हमने, है ना. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो P जो है वो प्रोपोर्शनल टू Vd स्क्वायर हो जाएगा. तो ग्राफ अगेन पैराबोला होना चाहिए, लेकिन इस बार ग्राफ कैसा बना रखा है, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये गलत है. ठीक. फोर्थ, पावर और करंट के बीच में रिलेशन. पावर और करंट के बीच में रिलेशन क्या होता है आपको पता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना. तो पावर जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पे भी ग्राफ कैसा होना चाहिए, पैराबोला. और ग्राफ पैराबोला है, मतलब ये भी करेक्ट है. मतलब इनकरेक्ट कौन बन रहा है, थर्ड ऑप्शन. हमें इसके अंदर इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है थर्ड ऑप्शन. क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं. चलिए आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर टू, हाँ, अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर एज शोन एज वन ऑब्जर्व्स फ्रॉम ए टू बी. आप देख सकते हैं कंडक्टर है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर है. अगर आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया और रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. वो एक कनेक्टेड है सोर्स से, ईएमएफ का सोर्स है जिसका ईएमएफ ई दे रखा है. अब इसमें कुछ कॉलम्स हैं, कॉलम वन एंड कॉलम टू, और इनको मैच करना है. तो क्या क्या है, कॉलम वन के अंदर है करंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. और कॉलम टू में है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस, है ना. और हमें इनको क्या करना है, वन वाले से टू वाले को मैच करना है. तो सबसे पहले तो बात आ रही है करंट की. तब एक चीज बताओ, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से करंट पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अगर आप ए से बी की तरफ जाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो फिक्स है ना. तो इसका जो करंट है वो क्या होने वाला है, ई अपॉन आर, है ना. और ये क्या रहने वाला है,
कांस्टेंट रहने वाला है। तो नॉन यूनिफॉर्म वायर से फर्क नहीं पड़ता है, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर से फर्क नहीं पड़ता है, कंडक्टर के अंदर करंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये पहला जो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो क्या है, रिमेन सेम। इधर से इस तरफ जाएंगे तो करंट कांस्टेंट रहेगा, यानी कि कलर चेंज कर लेता हूं, इसका हो जाएगा आर। ठीक है, अब दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो I इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी, है ना। और यहां से अगर वी डी आप लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी, तो हो जाएगा I अपॉन एन ई ए, बाकी सब चीज तो कांस्टेंट है, तो वी डी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है ना। अब ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है मतलब वी डी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होने वाला है, घटने वाला है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्यू। ठीक है, तीसरा देखते हैं, तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, है ना। सिग्मा होता था कंडक्टिविटी, तो आप देख सकते हैं जे इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जे क्या हो रहा है, जे करेंट डेंसिटी, जे मतलब आई अपॉन ए प्रोपोर्शनल टू ई। अब जे जो है ए बढ़ रहा है, देखिए इससे इधर से इस तरफ जाएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है मतलब करेंट डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होना चाहिए, घटना चाहिए मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, अगेन ऑप्शन क्यू। अच्छा, सेकेंड एंड थर्ड का सेम आ गया है ना, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड का भी क्यू मैच कर रहा है और थर्ड का भी क्यू मैच कर रहा है। आ रहे हैं फोर्थ ऑप्शन पे, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बेटा, हमें क्या पता चला कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज कर रहा है ना, और जब आप इस तरफ जाएंगे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, घटेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप वी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई इंटू डी। और अगर ई घट रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ भी क्या होगा, घटेगा। तो यहां भी क्या होने वाला है, फोर्थ का भी बनने वाला है क्यू, यानी कि फर्स्ट का आर, सेकंड का क्यू, थर्ड का क्यू, फोर्थ का क्यू। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन बन रहा है सेकंड, तो इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलेंगे। तीसरा सवाल स्क्रीन पे है आपके सामने, द एन रोज ईच कंटेनिंग एम सेल्स इन सीरीज आर ज्वाइंट इन पैरेलल, मैक्सिमम करेंट इज टेकन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स यूज आर 144 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज 0.25 ओम। देखिए सवाल को समझना पड़ेगा, क्या बोल रहा है कि एन रोज है और इसके अंदर M सेल्स हैं, ऐसे, और ऐसे ऐसे कितने रोज हैं, ऐसे ऐसे N रोज हैं, है ना, और हर एक में कितना है M सेल्स, इस तरीके से मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ा होगा आपने। ठीक है, और इसमें क्या क्या दे रखा है, तो इसमें दे रखा है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R वो 0.25 ओम है बैटरी का। ठीक है, और क्या बोल रखा है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R वो है 4 ओम। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड, टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या हो जाता है बेटा, इन केस में अगर M एन रोज हैं और हर रोज में एम सेल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हो जाएंगे एम इंटू एन, और एक गिवन है 144, कितना गिवन है 144, क्लियर है, एंड एम इंटू एन हो गया 144। हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम करंट इज टेकन फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, तो मैक्सिमम करंट होगा जब इंटरनल इक्वल टू एक्सटर्नल हो जाएगा, दैट इज आर इक्वल टू एम आर अपॉन एन हो जाएगा। एक आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर अपॉन एन,
अब आर हो जाएगा 4 एम अपॉन एन, आर हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा 0.25। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि एम बाई एन है ना, एम बाई एन इक्वल टू हो जाता है 16। इस तरफ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 16, है ना। तो यहां से m इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 16n। तो एक इक्वेशन पहले था हमारे पास, दूसरा इक्वेशन आ गया। पहले हमारे पास कौन सा इक्वेशन था, m इंटू एन इक्वल टू 144 और m इक्वल टू क्या था, m इक्वल टू 16n। ठीक है, अब हम इसको पुट कर सकते हैं m के जगह पे, तो 16n स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, एन स्क्वायर इक्वल टू 144 अपॉन 16, ये हो जाएगा 9, एन का वैल्यू हो जाएगा 3। तो एन का वैल्यू हो गया 3 और एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा, देख लो मल्टीप्लाई कर लो कितना होना चाहिए, एम का वैल्यू होना चाहिए एम इंटू एन कितना है 144, तो m का वैल्यू हो जाएगा 144 अपॉन 3, हो जाएगा 48। तो m हो गया 48 और n का वैल्यू हो गया 3, करेक्ट ऑप्शन बन गया फोर्थ नंबर। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए होंगे। अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ टर्मिनल ऑफ 4 मीटर लॉन्ग वायर यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 200 ओम, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट सेपरेटेड बाई 60 सेंटीमीटर ऑन द वायर विल बी। हाँ, ध्यान से पढ़िएगा सवाल, सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक वायर है ना, जिसका लेंथ कितना है 4 मीटर, 4 मीटर लेंथ है ना, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक बैटरी कनेक्ट किया गया है 12 वोल्ट का, ठीक है ना, यूनिफॉर्म वायर है, रेजिस्टेंस दे रखा है, जरूरत नहीं है इस सवाल में, है ना। तो 4 मीटर में कितना का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का, तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा 12 अपॉन 4 3 वोल्ट का, है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि 60 सेंटीमीटर में कितने का ड्रॉप होगा, तो 0.6 मीटर में कितना हो जाएगा जी, तो 0.6 मीटर में हो जाएगा 3, 1 मीटर में 3 वोल्ट, तो 0.6 मीटर में 3 इंटू 0.6 डैट इज 1.8 वोल्ट, और करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 1.8 वोल्ट। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक केटल्स टेक 6 एम्पियर करेंट एट 200 वोल्ट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू बॉइल्स 1.2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसका करेंट रेटिंग है I, दे रखा है 6 एम्पियर, ठीक है, और वोल्टेज रेटिंग है 200 वोल्ट, है ना। तो पावर क्या हो जाएगा जी, पावर होता है वोल्टेज इंटू करेंट, पावर क्या होता है वोल्टेज इंटू करेंट, तो का वोल्टेज हो गया 200 इंटू 6, ठीक है, ये हो गया पावर। अब इसको यूज किया जा रहा है वाटर को बॉयल करने के लिए, जो कि रूम टेम्परेचर पे है 25 डिग्री सेल्सियस पे, बॉयल करेंगे तो टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली जो हीट होगा, हीट गिवन है ना, वो कहां होगा, यूज्ड टू बॉइल्स वाटर है ना, वाटर को बॉयल करने के लिए यूज टू बॉयल वाटर, है ना। तो हीट गिवन कितना हो जाएगा जी, तो हीट गिवन हो जाएगा पावर इंटू टाइम, पी इंटू टी इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। पावर कितना हो गया, तो पावर हो गया 1200, 6 इंटू 200 1200 और इंटू टी
मास है बेटा 1.2, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, और टेम्परेचर दे रखा है राइज इन टेम्परेचर, तो पहले था रूम टेम्परेचर पे जो कि था 25 डिग्री सेल्सियस, और जब हम बॉयल करेंगे तो उसका टेम्परेचर हो जाएगा 100, तो डिफरेंस क्या आ गया टेम्परेचर का 75। तो यहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, और टाइम हो जाएगा 1.2 इंटू 4200 इंटू 75 अपॉन 1200। ठीक है, तो 1000 टाइम कट जाएगा, है ना, 1000 टाइम कट जाएगा यहां से गया, तो टी हो गया 4.2 इंटू 75, और 4.2 इंटू 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 75 करेंगे तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अरे आएगा बेटा किस में, यहां पे टाइम जो आएगा वो किसके अंदर आएगा, सेकंड के अंदर, है ना, तो हमें मिनट में ऑप्शन दे रखा है, आप ऑप्शन देखेंगे तो किसके अंदर है, मिनट्स में, तो इसको क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज करेंगे, तो मिनट्स में चेंज करेंगे तो कैसे, तो सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। अब यहां से हो जाएगा 5/4, अब 5/4, अब 4.2 इंटू 5 ये हो जाएगा 20, 21 अपॉन 4, 5.25 मिनट्स, कितना हो जाएगा 5.25 मिनट्स, क्लियर है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 4, किसी तरह का कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं, इफ 60 वोल्ट 300 वोल्ट बल्ब इज टू बी वर्कड ऑन 100 वोल्ट लाइन, अ रेजिस्टेंस ऑफ हाउ मैनी ओम्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बल्ब, है ना। यहां पे आप देख लीजिए बल्ब का रेटिंग दे रखा है, जिसका रेटिंग कितना है, रेटिंग है 60 वोल्ट एंड 30 वोल्ट, 60 वोल्ट एंड 30 वोल्ट यहां पे रेटिंग दे रखा है बल्ब का, ठीक है, ओके। तो अगर करंट में लिखूं तो करंट कितना हो जाता है, करंट होता है पी अपॉन वी, तो पावर है 30 अपॉन 60, करंट हो गया 0.5 एम्पियर। अब ध्यान से समझिए, बल्ब हमने लगाया तो बोल रहा है कि इसके साथ कितना रेजिस्टेंस लगाया जाए, रेजिस्टेंस ऑफ हाउ मैनी ओम्स शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसके अक्रॉस बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, लाइन वोल्टेज दे रखा है 100 वोल्ट, तो 60 वोल्ट तो इसी के अक्रॉस चला गया, बल्ब के अक्रॉस रेटिंग है उसका, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना बचा 40, रेजिस्टेंस मान लो R है ना, तो क्या हो जाएगा, और करंट इसमें है I, और जो कि I हमने कैलकुलेट किया है, तो क्या होना चाहिए, I into R इक्वल होना चाहिए किसके, 40 वोल्ट के, तो R जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 अपॉन I, और 40 अपॉन I हमने कैलकुलेट किया है 0.5, और इस तरीके से आएगा 80 ओम, तो सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2, 80 ओम, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आइए क्वेश्चन नंबर 7, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ सर्कुलर कॉयल कैरिंग अ करेंट इज, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो एक सर्कुलर कॉयल है देखिए, ठीक है, और किसी वायर से बनाया गया होगा, मान लेते हैं उस वायर का लेंथ एल है और इस सर्कुलर कॉयल का रेडियस आर है, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr, r इक्वल टू क्या हो जाएगा, l अपॉन 2π, ठीक,
अब ये सब क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि सवाल का रिक्वायरमेंट है। अब जब ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लेंथ से कुछ ऑप्शन दे रखा है, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, है ना? तो हमें लेंथ से रिलेट करना पड़ेगा ना, तो मैं वही कर रहा हूँ, लेंथ से रिलेट कर रहा हूँ रेडियस को, है ना? अब अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखूँ तो एम हो जाएगा आई इंटू ए, है ना? तो आई आई हो गया, और ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर आई इंटू पाई, आर के जगह पे लिखेंगे हम लोग एल अपॉन टू पाई का स्क्वायर, ठीक है? और यहां से एम आएगा, यहां से एम आएगा पाई स्क्वायर कट जाएगा, तो आई हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन फोर पाई हो जाएगा। तो आप देखेंगे एम इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, है ना? तो सही आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द वायर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए क्लियर, आगे देखते हैं, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर एट। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज एक्टिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड 7.5 बीवर पर मीटर स्क्वेयर। इफ अ प्रोटोन हैविंग मास 1.7 × 10⁻²⁷ kg एंड चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम मूव्स इन दिस फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड विद एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी, है ना? तो मैग्नेटिक फोर्स लिखना है चार्ज के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाता है, क्यू वी बी साइन थीटा। यहां पे आप देखेंगे तो कुछ डेटा गिवेन है, वो डेटा क्या क्या है, तो वो डेटा मास है 1.7 × 10⁻²⁷, चार्ज हो जाएगा क्यू, क्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड जो है बी, वो है 7.5 बीवर पर मीटर स्क्वेयर, ठीक है? मूव्स इन अ फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड विद एनर्जी, एनर्जी एनर्जी किस तरह का एनर्जी होगा जी, काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब आप देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां से कहां एक्ट कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में, और एक प्रोटॉन है जो कि मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ये थीटा हो गया 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और ये फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी बी, क्योंकि साइन थीटा हो गया 1। हमसे मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, हमारे पास क्यू है, प्रोटोन का चार्ज है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, हमें चाहिए वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसे लिखेगा, तो वेलोसिटी लिखेंगे हम लोग, चूंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, और एक काइनेटिक एनर्जी दे रखा है कितना, ई, तो यहां से वेलोसिटी हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 2E/m, ठीक, 2E/m, ओके। और मैग्नेटिक फोर्स हम लिखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा क्यू इंटू बी, और इंटू वी के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, रूट ओवर 2E/m। अब आप यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, वैल्यूज क्या पुट करेंगे, तो वैल्यू हो जाएगा क्यू का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹, बी का हो जाएगा 7.5, ठीक, ओके, और रूट टू ई एनर्जी, एनर्जी है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 8 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ हो जाएगा, और मास ऑफ प्रोटॉन दे रखा है 1.7 × 10⁻²⁷ kg, ठीक है? और जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1,
8 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब ये आएगा ऑलमोस्ट 4.67 इंटू 10^-11 न्यूटन। क्लियर है? तो सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। कुछ था नहीं इसमें, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला लगाना था क्यू वी बी। इसमें एक ही काम था जो आपको करना था, जो शायद आपको करने में प्रॉब्लम हुआ होगा, वो रहा होगा वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल कैलकुलेट करना, जो कि हो जाएगा रूट अंडर 2E/E m, वेयर E इज द काइनेटिक एनर्जी। जो भी एनर्जी गिवन है वो काइनेटिक एनर्जी ही है। अब यहाँ पे एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, इसको आपको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उस जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.6 × 10^-19 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? तो ये होगा, हो गया होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर मेक्स इन बाई 2 रोटेशन पर सेकेंड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर हैज अ मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखिएगा इस सवाल में क्या बोला जा रहा है। इस सवाल के अंदर बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और रेडियस क्या है, आर, फ्रीक्वेंसी दे रखा है एन बाई 2 रोटेशन पर सेकेंड, है ना, और रेडियस दे रखा है आर, और एक इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है जी, चक्कर काट रहा है इसे, है ना, आर रेडियस के सर्कल पे। तो मैग्नेटिक फील्ड लिखना है सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या हो जाता है जी, हो जाता है म्यू नॉट आई अपॉन 2R। अरे कैसे लिखेंगे, हमें I लिखना पड़ेगा, तो I होता है बेटा E/T, और बोल सकते हैं E × F, तो E यहाँ पे, F तो गिवन है N/2, तो ये I हो गया, है ना। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2R, और I के जगह पे हम लोग लिखेंगे NE/2, तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट NE/4R, और सही ऑप्शन बनेगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन बन रहा है 4th ऑप्शन। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। करंट को हम लोग E/T लिख सकते हैं अगर टाइम पीरियड T है तो, और अगर फ्रीक्वेंसी F है तो E/F लिख सकते हैं। बाकी कुछ नया नहीं किया गया है, वही किया गया है जो आप जानते हैं, है ना। B क्या होता है, म्यू नॉट I/2R, I की जगह पे हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट किया, बनाया, उसको पुट कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 10 नंबर, हाँ बढ़िया सवाल है। टू आइडेंटिकल लॉन्ग कंडक्टिंग वायर AOB एंड COD आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर विद वन अबव अदर सच दैट O इज देयर कॉमन पॉइंट ऑफ द टू वायर। ठीक है, द वायर्स कैरी I1 I2 करेंट रेस्पेक्टिवली, पॉइंट P इज लाइंग एट द डिस्टेंस R फ्रॉम O अलॉन्ग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P विल बी। ये सवाल समझना पड़ेगा, सवाल ही इंपॉर्टेंट है, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि दो वायर्स हैं, एक इस तरफ करंट कैरी कर रहा है I1, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, और एक दूसरा वायर है जो कि इसके परपेंडिकुलर है और वो करंट कैरी कर रहा है I2। ठीक है, और एक के ऊपर दूसरा है ऐसे परपेंडिकुलर राइट एंगल पे। ठीक है, और जो कॉमन पॉइंट है दोनों का वो ये है, इसके ऊपर है, और इसको बोला गया है O। इसको सवाल में क्या बोला गया है, O। ठीक है, कॉमन पॉइंट, द वायर I1 I2 करंट रिस्पेक्टिवली, पॉइंट P लाइंग एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द O अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वायर। अब जैसे बोर्ड है आपको, ये व्हाइट बोर्ड जो दिख रहा है, इसके पर एज प्लेन हो गया, किसका, दोनों वायर का प्लेन हो गया। अब जो बोल रहा है पॉइंट P जो है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे, बाहर की तरफ, है ना, किधर, बाहर की तरफ, इधर कहीं, है ना, जैसे एक वायर दूसरा वायर हो गया, ऐसे देखिए, एक ऐसे उस वायर है, दूसरा ऐसे वायर है, ऐसे मैं दिखा देता हूं, इस तरीके से परपेंडिकुलर है।
अब इसको इस तरीके से कर देता हूँ समझने के लिए, आपको समझने के लिए। ये ऐसे था पहले, ठीक है ना, ये दोनों वायर, एक जो आपको पेन दिख रहा है और मेरा उंगली इस तरीके से। अब इसके ऊपर पॉइंट है इधर, है ना, तो इसी पॉइंट पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो एक वायर से लिखोगे, है ना, एक वायर से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, बी वन ये हो जाएगा म्यू नॉट आई वन अपॉन कितना डिस्टेंस पे है, आर पे, तो टू पाई आर। अब ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों की वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे आप, तो एक की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है और एक से इस तरफ आ रहा है ना, तो एक इधर आ रहा है। अगर मैं इधर किसी पॉइंट पी पे लिखूंगा तो आई वन की वजह से, आई वन की वजह से नीचे की तरफ आएगा बी वन, और आई टू की वजह से इस तरफ आएगा बी टू, और ये बी वन बी टू दोनों बराबर ही कितना होगा, बी वन मैंने यहाँ पे लिखा है और बी टू देखिए, बी टू हो जाएगा म्यू नॉट आई टू अपॉन टू पाई आर, इतना ही डिफरेंस है। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर बी वन स्क्वेयर प्लस बी टू स्क्वेयर, है ना, और आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आर, कॉमन है आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। तो सही ऑप्शन बन रहा है थर्ड ऑप्शन, म्यू नॉट बाई टू पाई आर आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, अलेवन, अ करेंट आई फ्लोज अलॉन्ग द लेंथ ऑफ एन इनफाइनिटली लॉन्ग स्ट्रेट एंड थिन वायर, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इन साइड द पाइप इज ओके। क्या बोला जा रहा है, सवाल देख लेते हैं। बोल रहा है कि करेंट आई जो है वो फ्लो कर रहा है एक थिन वॉल्ड पाइप के थ्रू, है ना, मतलब हॉलो पाइप के थ्रू, ऐसे आपने पढ़ा होगा ऐसे। अब करंट जो है वो कहां से फ्लो करेगा, सरफेस से फ्लो करेगा, ठीक, तो ये हो गया इसका एक्सिस, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट इनसाइड द वायर, इनसाइड द वायर बेटा क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, अंदर लगाओगे क्या, एम्पियर्स लॉ, तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अब आई इनक्लोज्ड क्या है, जीरो, तो बी क्या होगा, जीरो, है ना। तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, इज जीरो कहां, द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज जीरो, सेकेंड ऑप्शन। क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। 12 नंबर देखते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज, एम दे रखा है 3.25 हेनरी, इफ द करेंट इन द प्राइमरी चेंजेस एट द रेट ऑफ डी आई अपॉन डी टी दे रखा है बच्चे, डी आई अपॉन डी टी कितना है, 40 एम्पियर पर सेकेंड, है ना, और हमसे पूछा जा रहा है इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द सेकेंडरी, है ना, तो इंड्यूस्ड ई एम एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम डी आई अपॉन डी टी, एम हो गया 3.25 और डी आई बाई डी टी हो गया 40, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 130 वोल्ट, सही ऑप्शन है फर्स्ट, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। ओके, चलिए आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, 13, लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये हमें पता है, लेंज लॉ पढ़ा होगा उसी समय, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ एनर्जी, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए 14 देखते हैं, टू सर्कुलर सिमिलर कोएक्सियल लूप कैरी इक्वल करेंट इन द सेम डायरेक्शन, इफ द लूप आर ब्रॉट नियरर व्हाट हैपन, व्हाट विल हैपन। देखिए क्या बोला जा रहा है कि दो कॉइल्स हैं, कोएक्सियल हैं, ठीक है,
और दोनों सेम करंट कैरी कर रहे हैं आई, दोनों सेम करंट कैरी कर रहा है आई सेम डायरेक्शन में। अब जब दोनों को पास लाओगे, जब दोनों को पास लाओगे तो क्या होगा बेटा, दोनों से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, इससे भी बढ़ेगा और इससे भी बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। जब पास लाएंगे तो दोनों से मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होगा, बढ़ेगा। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है ना, लूप में करंट इंड्यूस होगा ताकि वो करंट को डिक्रीज करे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा दोनों ही केस में। तो करंट विल डिक्रीज, अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट इंड्यूस हो रहा है तो नेट करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा करंट विल डिक्रीज इन ईच लूप। तो 14 का ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है, तो 14 हो गया। आगे देखते हैं 15 क्या है, अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, द रेशियो ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग 6 mm/s, द इंड्यूस्ड EMF इन द लूप व्हेन द रेडियस इज 3 cm। तो क्या क्या दे रखा है, बी दे रखा है 0.2, ठीक है, आर दे रखा है 3 cm और dr/dt दे रखा है, रेडियस श्रिंक कर रहा है 6 mm/s, द इंड्यूस्ड EMF द लूप व्हेन द रेडियस इज 3 cm। तो सबसे पहले तो फ्लक्स लिखेंगे, तो फ्लक्स हो जाएगा बी इंटू ए, और एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, फाई हो गया। ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा बेटा d φ/dt है ना, फैराडे लॉ, ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाएगा d φ/dt। अब यहां से लिखेंगे तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r dr/dt। अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 0.2 इंटू 2 pi, और आर कितना 3 cm, तो 3 × 10⁻², और dr/dt 6 mm, तो 10⁻³। तो देख लीजिए क्या हो जा रहा है, 10⁻², −3, −5, यहाँ से −6 कर देता हूँ, और इधर हो जाएगा 2 × 2 = 12, 6 = 72 pi, यानी कि आ गया 72 pi माइक्रोवोल्ट, 72 pi माइक्रोवोल्ट, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, 16 नंबर, अ लॉन्ग सोलेनोइड हैज 800 टर्न्स व्हेन अ करंट ऑफ 2.5 एम्पीयर इज पास थ्रू इट, द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच ऑफ द टर्न ऑफ सोलेनोइड है ना, तो हर एक टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है 5 × 10⁻³। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड है ना, तो देखो बेटा फाइव इक्वल टू होता है, अब एक से तो इतना है ना, इज जस्ट वन लूप से है, तो n इंटू फाइव टोटल फ्लक्स हो जाएगा, और किसके बराबर हो जाएगा, l इंटू आई के, और यहां से l कैलकुलेट कर सकते हैं, और हो जाएगा n φ/i। n कितना है, n है 800, और फाई है 5 × 10⁻³, और आई है 2.5। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1.6 हेनरी, क्या हो जाएगा 1.6 हेनरी, ठीक है, क्लियर है, कट गया 44/2.5 1.6, ठीक है 1.6 हेनरी। तो ये हो गया सॉल्यूशन, सिंपल सा सवाल था, एक लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा था, नंबर ऑफ लूप्स बता रखे थे, तो टोटल फ्लक्स लिख सकता हूं मैं, और टोटल फ्लक्स हो जाएगा l इंटू आई के बराबर,
यहाँ से L कैलकुलेट कर लेंगे और ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स अपॉन I, है ना, टोटल फ्लक्स हो गया N phi अपॉन I, ठीक है। अगला देखेंगे, चलिए 17 देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द क्लोज लूप शोन इन द फिगर एन ई एम एफ वी वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द लूप द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज 2 कूलम वंस अलोंग द लूप। तो वर्क डन क्या हो जाएगा जी, वर्क डन हो जाएगा बेटा क्यू इंटू डेल्टा वी, है ना, और इस लूप के अंदर, है ना, जो ई एम एफ इंड्यूस दे रखा है डेल्टा वी, वो कितना है वी, सवाल में ही दे रखा है, और चार्ज कितना है, चार्ज यहाँ पे है 2q और डेल्टा वी है वी, तो वर्क डन हो गया 2q इंटू वी, तो सही ऑप्शन हो गया फोर्थ ऑप्शन, क्लियर है, है ना, सही ऑप्शन हो गया फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 17 हो गया, 18 नंबर, हाँ, करंट इन द सर्किट इज वॉटलेस, है ना, करंट इन द सर्किट इज वॉटलेस, वॉटलेस मतलब पावर जीरो हो जाएगा, पावर क्या होता है बेटा आई स्क्वायर आर, है ना, तो आर जीरो होगा तभी पावर जीरो होगा, है ना, मतलब सर्किट में इंडक्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो आर क्या होना चाहिए, जीरो, तो रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज जीरो, तो 18 का सही ऑप्शन क्या हो गया, सेकेंड, है ना, क्लियर, ओके। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज और करंट के बीच में पावर क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, है ना, तो जो फाई है वो कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो ऐसा तभी होगा जब प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो, है ना, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व रहेगा तो फाई 90 डिग्री नहीं होगा, तो वैसे भी देख सकते हैं, तो 18 नंबर हो गया। 19, अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट अ 170 वॉट एंड 120 वोल्ट लैंप फ्रॉम 230 वोल्ट मेंस इफ द मेन करेंट इज 0.8 एम्पियर द इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, इफिशियंसी होता है आउटपुट अपॉन, इफिशियंसी का मतलब इनपुट पावर की बात कर रहा हूं मैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100, तो आउटपुट क्या है जी, तो ट्रांसफार्मर किसके लिए यूज हो रहा है, एक लाइट को बल्ब करने के, एक बल्ब को लाइट करने के लिए 170 वोल्ट, तो पावर आउटपुट हो गया 170 वोल्ट, ठीक है, 120 वोल्ट पे हो रहा है, फ्रॉम इनपुट क्या है 230 वोल्ट मेंस सप्लाई है, पावर लिखना है मुझे नीचे, तो वोल्टेज और करंट कितना है 0.8 और इंटू 100, सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट आएगा 92%, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, ठीक है, आसान सवाल था, कुछ था नहीं इसके अंदर, क्लियर बच्चे, एफिशिएंसी हो गया आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, आउटपुट हो गया 170 वोल्ट, इनपुट पावर हो गया 230 वोल्ट पे 0.8 एम्पियर करंट सप्लाई किया जा रहा है, तो ये होगा इनपुट पावर, और एफिशिएंसी निकालेंगे तो आएगा 92%, क्लियर है, ओके। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 20, द आर एम एस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन द फिगर, यहां पे आप देख सकते हैं ग्राफ दे रखा है वोल्टेज एंड टाइम के बीच में, और यहां पे आप देखेंगे तो 0 से T तक वोल्टेज वी नॉट है, फिर 0 हो गया है, और फिर T/2 से 3T/4 तक है, ओके, और हमें निकालना है आर एम एस वैल्यू, तो सबसे पहले तो आर एम एस मतलब स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, और लास्ट में रूट करना है, तो रूट बाद में करेंगे, पहले हम स्क्वायर देख लेते हैं, तो स्क्वायर हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर, है ना, तो अगर वी आर एम एस स्क्वायर मुझे अगर लिखना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, वी नॉट स्क्वायर dt, है ना, अपॉन मीन निकालूंगा, पहले स्क्वायर कर दिया, फिर स्क्वायर का मीन निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगा अपॉन dt, है ना, और एक साइकिल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं 0 से T के लिए, तो हो जाएगा 0 से T v नॉट स्क्वायर dt अपॉन dt,
टाइम पीरियड टी हो गया एक साइकिल में। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो वोल्टेज है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, टी बाई फोर तक ही है, तो इसको ब्रेक कर लेते हैं जहाँ से जहाँ तक है। तो जीरो से टी बाई फोर तक है वी नॉट स्क्वायर डी टी, अब प्लस फिर कहाँ से कहाँ है टी बाई टू से थ्री टी बाई फोर तक वी नॉट स्क्वायर डी टी और अपॉन टी। क्लियर है? अब बेटा इसको करोगे तो यहाँ आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर इंटू टी बाई फोर प्लस, यहां भी करोगे तो वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा थ्री टी बाई फोर माइनस टी बाई टू अपॉन टी। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो वी नॉट स्क्वायर आर एम एस, वी स्क्वायर आर एम एस जो आएगा यहां से आ रहा है टी बाई फोर, टी बाई फोर वी नॉट स्क्वायर टी बाई टू आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर बाई टू आएगा। और वी आर एम एस अगर लिखेंगे हम लोग तो रूट हो जाएगा इस तरफ, तो वी नॉट अपॉन रूट टू। तो सही ऑप्शन हो जाएगा वी नॉट अपॉन रूट टू, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। वी स्क्वायर आर एम एस हमने कैलकुलेट कर लिया, हमें आर एम एस निकालना है तो रूट कर दिया, स्क्वायर रूट कर दिया। ठीक है बच्चे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 21 इंडक्टर 20 मिली हेनरी, अ कैपेसिटर 50 माइक्रो फैराड एंड रेजिस्टर 12 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ सोर्स ऑफ ईएमएफ 18 साइन 100 टी, द पावर लॉस इन एसी सर्किट। क्या क्या दे रखा है आप देखेंगे तो इंडक्टेंस एल दे रखा है, कितना है 20 मिली हेनरी है ना, कैपेसिटेंस सी दे रखा है 50 माइक्रो फैराड, रेजिस्टेंस आर दे रखा है 12 ओम। ठीक है, सब सीरीज में कनेक्टेड है और वोल्टेज है V इक्वल टू 18 साइन 100 टी। ठीक है, द पावर लॉस इन एसी सर्किट, द पावर लॉस इन एसी सर्किट। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेल। तो एक्सेल हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, ओमेगा कितना है सॉरी 800 है 800 है 800 है तो 800 और इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 तो ये आ जाएगा 16 ओम। ठीक, इसी तरीके से एक्स सी अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 800 और इंटू सी लिखेंगे तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, तो ये 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 और ये हो जाएगा 800 इंटू 50, अगर इसको करेंगे तो ये जाएगा 40,000, तो ये बच जाएगा 100, ऊपर चला जाएगा 100 अपॉन 4 और आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25 और R दे रखा है 12 ओम। ठीक है, हम लोग Z कैलकुलेट कर सकते हैं, Z क्या हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर और बोल सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 16 9 का स्क्वायर, तो 144 प्लस 81 है ना, ये हो जाएगा 225 और Z आ जाएगा 15 ओम। Z क्या हो गया 15 ओम। अब जब हमें Z मिल गया तो बच्चे I लिख सकते हैं, I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा I आर एम एस लिख रहा हूं तो हो जाएगा V आर एम एस अपॉन Z, V आर एम एस अपॉन Z है ना, तो V आर एम एस हो जाएगा 18 अपॉन रूट टू और Z हो गया 15। Z कितना आया है 15, ध्यान से देखिएगा और ये बच जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5, तो
सिक्स बाई फाइव अगर करें तो 1.2 अपॉन रूट टू पावर हो जाता है आई स्क्वायर आर। ठीक, आई स्क्वायर कर लेंगे तो आई स्क्वायर हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 अपॉन टू और इंटू आर। आर हमारे पास कितना था जी, 12, तो इसको कर लेंगे 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 और इंटू 6 और 1.2 हो जाएगा 12 का हो जाता है 144, तो 1.44 और इंटू 6 तो 1.44 इंटू 6 तो 8 पॉइंट समथिंग, हाँ 8.64। तो सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 8.64। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है, सब कुछ गिवन था, इंडक्टेंस गिवन था, कैपेसिटेंस गिवन था, रेजिस्टेंस गिवन था। हमने क्या किया, इंडक्टेंस कैलकुलेट कर लिया, इंडक्टर का इंडक्टेंस कैपेसिटेंस का कैलकुलेट कर लिया, है ना, रिएक्टेंस कर लिया। अब ये दोनों चीज जब कैलकुलेट कर लिया, जेड मिल गया हमें, जेड मिल गया तो हमने आई आर एम एस लिख लिया और पावर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। बस हमने अप्लाई कर दिया फॉर्मूला और आ गया 8.64 वॉट। तो कुछ ऑप्शन हो गया थर्ड, क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं, आगे चलते। 22 नंबर, पावर फैक्टर इज मैक्सिमम इन एन एलसीआर सर्किट व्हेन, व्हेन क्या हो जाएगा, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हर किसी को पता है, है ना। पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस फाई, और कॉस फाई क्या होता है बेटा, कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड, और कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 1। ऐसा कब होगा, जब आर इक्वल टू जेड हो, और आर इक्वल टू जेड कब होगा, जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो। तो फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। चलिए आगे देखते हैं, ट्वेंटी थ्री देखिए इसमें क्या है, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करेंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट आर आई इक्वल टू 50 sin 628 t एम्पियर एंड ईएमएफ दे रखा है वैल्यू वी रेस्पेक्टिवली, इफ द रेजिस्टेंस इज 3 ओम देन रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। ओके, हमारे पास आई का वैल्यू पता है ना, हमारे पास आई गिवन है, हमारे पास आई गिवन है, वी गिवन है, तो यहां से आप देखेंगे तो जो ई नॉट है वो है 250 और आई नॉट है 50, जेड क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आई नॉट और 250 अपॉन 50 दैट इज 5 ओम, है ना। और सर्किट का रेजिस्टेंस आर गिवन है 3 ओम और रिएक्टेंस पूछ रहा है एक्स, तो हम लोग जानते हैं जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो यहां से अगर एक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 ओम, क्या आ जाएगा, 4 ओम। सही ऑप्शन क्या बैठ रहा है, फोर्थ ऑप्शन, क्लियर है। तो ये 24 हो गया, है ना, आगे देखते हैं 23 हो गया जी, 24 नंबर देखेंगे, 24 नंबर देखते हैं। 150 वोल्ट वोल्टमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 30 किलो ओम इन सीरीज विद हाई रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट लाइन, द वोल्टमीटर रीड्स 50 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ आर इज, ध्यान से देखिए क्या बोला जा रहा है कि एक वोल्टमीटर है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 30 किलो ओम और उसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाया गया, 120 वोल्ट सप्लाई लाइन से कनेक्टेड है, द वोल्ट मीटर रीड्स 15 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ आर। ध्यान से देखिए, एक वोल्ट मीटर है और इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाया गया आर एच, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस पहले से ही गिवन है
और ये है 30 किलो ओम। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 120 वोल्ट। ठीक, 120 वोल्ट। ठीक है, द वोल्ट मीटर रीड्स 15 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कितना है जी, 15 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस अगर 15 हो गया बेटा, तो इसके अक्रॉस क्या हो गया, 120 माइनस 15 मतलब इसके अक्रॉस हो गया 105 वोल्ट, है ना। अब आई आई हम लोग लिख सकते हैं, आई कितना हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, ये रीड कर रहा है 15 और इसका रेजिस्टेंस है 30 किलो ओम। ठीक, और आई इंटू आर एच कितना हो जाएगा, 105 वोल्ट। आई आई इसमें जो करंट जा रहा है, आई इंटू आर एच कितना हो जाएगा, 105 वोल्ट। तो यहां से आर एच हो जाएगा बेटा 105 अपॉन आई, और 105 अपॉन आई के जगह पे हम लोग यहां से लिख सकते हैं 15, और अब ये ऊपर चला जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 15 से 7 टाइम्स, ठीक है, तो 3 7 3 जा 21, 210, तो हो जाएगा 210 किलो ओम, है ना। तो हो गया 210 किलो ओम, तो 24 हो गया इस तरीके से। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एन अमीटर गिव्स फुल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट, द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज 20 ओम, इफ सेम अमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग अ मैक्सिमम करंट ऑफ 15 एम्पियर देन द अमीटर मस्ट बी कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस ऑफ, है ना। क्या बोला जा रहा है कि एक अमीटर है जो कि फुल डिफ्लेक्शन देता है कितने करंट पे, 3 एम्पियर पे, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर बता रखा है 20 ओम। अब बोल रहा है कि इफ द सेम अमीटर इज टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग अ मैक्सिमम करंट ऑफ 15 एम्पियर देन द अमीटर मस्ट बी कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस। तो एक अमीटर है, ठीक है, और अमीटर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 20 ओम, है ना, 20 ओम, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है कितने पे, 3 एम्पियर पे, है ना। अब बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर, इफ द सेम अ मीटर इज टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग अ मैक्सिमम करंट ऑफ 15 एम्पियर देन द अमीटर मस्ट बी कनेक्टेड विद द रेजिस्टेंस। तो चलिए एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं आर, ठीक है, एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं आर। अब इसको कितना करना है, 15 एम्पियर करंट मेजर करना है। तो जो आई है, हम लोग जानते हैं कि जो आई जी है वो हो जाता है आर अपॉन आर ए प्लस आर और इंटू आई। आई जी कितना है, आई जी हो जाएगा 3 एम्पियर। आर हमें फाइंड आउट करना है, ए हो गया 20 प्लस आर आई है 15, ठीक है। पना तो यहां से हम लोग कट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, 3 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 5R इक्वल टू हो जाएगा 20 प्लस R, 4R इक्वल टू हो जाएगा 20 और R इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 4 दैट इज 5 ओम। आंसर हो जाएगा बेटा 5 ओम इन पैरेलल, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा फोर्थ ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 तक हमने कंप्लीट किया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। हाँ, अब कुछ सवाल हैं जो फैक्चुअली करेक्ट होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, गामा रेज, है ना। तो फैक्चुअल है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, तो गामा रेज हो जाएगा। अगला सवाल 27 देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
गोइंग थ्रू वैक्यूम इज डिस्क्राइब बाई इक्वेशन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड मैग्नेटिक फील्ड का. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू. हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड का. हम लोग जानते हैं कि E नॉट बाई वी नॉट किसके बराबर होता है सी के, और सी क्या होता है ओमेगा अपॉन के, है ना. तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं E नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के. तो E नॉट के इक्वल टू बी नॉट ओमेगा ये बनेगा. ये ऑप्शन चेक करते हैं, ये ऑप्शन पहला ही है E नॉट के इंटू बी नॉट ओमेगा. क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं. आगे चलेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ, 28 नंबर. अगेन इस वाले सवाल में भी कुछ नया नहीं है, है ना, ये भी आपको पहले से पता है फैक्चुअली. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज गिवेन बाई द एक्सप्रेशन, ये हो जाता है 1/√μ0ε0. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3. ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग. चलिए तो हो गया 28 तक हमने कर लिया, 28 कर लिया, 29 देखेंगे. 29 स्टेटमेंट वन क्या है. इफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप आर इंटरचेंज्ड देन इट वर्क्स एज अ टेलीस्कोप. स्टेटमेंट के बारे में कमेंट करना है सही है कि गलत है. तो गलत है. माइक्रोस्कोप का बेटा जो फोकल लेंथ होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू लेंसेज यूज्ड इन टेलीस्कोप. टेलीस्कोप्स के अंदर जो लेंसेज यूज होते हैं उनका फोकल लेंथ बहुत लार्ज होता है एज कंपेयर टू माइक्रोस्कोप. तो ऐसा नहीं कर सकते कि इंटरचेंज करने से वो टेलीस्कोप बन जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. दूसरा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप हैज अ स्मॉल फोकल लेंथ, ये भी गलत है. अभी मैंने बताया आपको कि जो टेलीस्कोप है उसके अंदर फोकल लेंथ जो होता है वो लार्ज होता है ना. तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन. क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगले सवाल की तरफ मूव किया जाए, क्वेश्चन नंबर थर्टी क्या है. इन यंग्स डबल एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 0.32, अ स्मॉल डी दे रखा है 0.32 मिलीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन कैपिटल डी दे रखा है 1.6 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज, है ना, सेंट्रल ब्राइट एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज. तो हर एक के बीच का जो गैप होता है वो लैम्डा डी अपॉन डी होता है. तो हो जाएगा 4 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज इक्वल टू, ए गिवन है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10^-2 मीटर. तो व्हाट इज द वेवलेंथ, तो यहां पे हमसे लैम्डा पूछ रहा है. तो लैम्डा लिखेंगे तो हो जाएगा 10^-2 इंटू अ स्मॉल डी अपॉन 4 कैपिटल डी. ठीक, अब यहां पे आप देख सकते हैं 10^-2 अ स्मॉल डी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 10^-5 और हो गया 4 और d हो गया 1.6. ठीक है ना. अब इसको देख लीजिए, ये 2 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ये 5000 आएगा, 5000 आने वाला है ना, क्योंकि 8 टाइम्स. ठीक है, और नीचे आएगा तो ये 0.2 टाइम्स और हो जाएगा 5×10^-7 मीटर और 5000 एंगस्ट्रॉम. तो सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3. ओके, तो क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा. आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ. हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है. देखिए क्या बोला जा रहा है,
इक्वल चार्जेज क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ ए एंड बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एबीसी ऑफ साइड 2A, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी इज, क्या बोला जा रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका जिसके दो कॉर्नर्स पे चार्ज हैं, कितना कितना, तो क्यू यहाँ है और क्यू यहाँ है, और इस साइड जो है वो है 2A, 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 और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इसके वजह से लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E, और इसके वजह से लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा E, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2A का होल स्क्वायर, एक की वजह से लिखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे बेटा एंगल 60 डिग्री है, आपको पता होना चाहिए कि जब दो वेक्टर 60 डिग्री पे एक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा नेट, और नेट कैलकुलेट किया जा सकता है वेक्टर एडिशन से, कौन सा फॉर्मूला, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 E2 cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा रूट 3 टाइम्स सी। जब भी एंगल 60 डिग्री हो और दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट रूट 3 टाइम्स हो जाता है, और वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हो जाएगा रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रूट 3 क्यू और 4 के हो जाएगा 1/4πε0, तो 4 4 16 हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, क्लियर, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। K का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा वही चीज, है ना, और क्यू स्क्वायर, माफ कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है तो क्यू स्क्वायर नहीं, क्यों ही रहेगा, है ना, तो K √3 के क्यू अपॉन 4A स्क्वायर, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 32 नंबर, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तो ग्राफ आपको याद होना चाहिए, पहला ग्राफ है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एक टेम्परेचर के बाद फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो इसका ग्राफ फर्स्ट है, आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, 33, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिपेंड अपॉन टाइम एज रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस एट, देन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज, ऑप्शन है बहुत सारे, इंक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रीजिंग विद टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड नन ऑफ दीज, कैसे करेंगे, तो देखिए रूट एक्स है कितना टी प्लस एट, हम लोग x लिख सकते हैं क्या हो जाएगा t प्लस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से dx अपॉन dt लिख दीजिए, तो dx अपॉन dt ही क्या कहलाएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बारे में भी पूछ रहा है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 8, है ना, और इसका तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो आ रहा है वो आ रहा है 2t प्लस 8, है ना, तो क्या हो रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इंक्रीजिंग विद टाइम। चलिए अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मच रिवॉल्यूशन डज द इंजन मेक्स ड्यूरिंग द टाइम व्हेन अ मोटर व्हील्स विद एंगुलर स्पीड इंक्रीज्ड फ्रॉम 140 आरपीएम टू 3000 आरपीएम इन 18 सेकेंड। ओके, आप देखेंगे तो यहाँ पे दे रखा है ओमेगा, रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको मैं कर लेता हूँ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 14 आएगा रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ओमेगा आई, और ओमेगा एफ जो हो जाएगा वो 3000 है, 60 से डिवाइड करूँगा तो हो जाएगा 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है। अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, अल्फा हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी, तो 50 माइनस 14 अपॉन टी 18, ठीक है, तो ये आ जाएगा
टू रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। 50 माइनस 14 हो जाएगा 36 अपॉन 18, टू रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा मिल गया और हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हाउ मच, तो थीटा, थीटा हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट है 14, टी है 18 प्लस हाफ, अल्फा है 2 और टी है 18। तो 14 इंटू 18 ये करना पड़ेगा, तो 14 इंटू 18 करेंगे तो 14 इंटू 18 252 आएगा, अब प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और 324 में अगर मैं 252 ऐड कर दूं तो आएगा बेटा 576। तो क्या आएगा 576 रिवॉल्यूशन। हमसे यही पूछ रहा था कितना रिवॉल्यूशन चाहिए, तो कितना आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। आसान सवाल था है ना, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 35 नंबर पे आते हैं। अ गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली टू हाफ इट्स वॉल्यूम, द सेम गैस इज कंप्रेस्ड सेपरेटली मतलब अलग से थ्रू एन एडियाबेटिक प्रोसेस अंटिल इट्स वॉल्यूम इज अगेन रिड्यूस्ड टू हाफ। देन फर्स्ट ऑप्शन, कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली विल रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। दूसरा, विच ऑफ द केस वेदर कंप्रेशन थ्रू आइसोथर्मल थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस रिक्वायर्स मोर वर्क विल डिपेंड ऑन एटोमिसिटी ऑफ द गैस। कंप्रेशिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर्स मोर, वर्क से रिलेटेड सारे ऑप्शन है तो वर्क पे ही हमें काम करना है, इसलिए मैं सारे ऑप्शन पढ़ रहा था। तो क्या बोल रहा है कि अगर ग्राफ बनाएंगे आप प्रेशर वॉल्यूम का, अगर वर्क को देखना है तो आप क्या करेंगे प्रेशर वॉल्यूम के ग्राफ से देखेंगे। तो बोला जा रहा है कि गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, कहाँ तो हाफ तक, तो पहले मान लेते हैं टू भी वॉल्यूम था बाद में हो गया वी, है ना, कंप्रेस कर रहा है मतलब पीछे की तरफ ले जा रहा है। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे आइसोथर्मल और एडियाबेटिक का, है ना, ध्यान से देखिए, तो आप ही बताओ कौन यहां पे आइसोथर्मल रहेगा कौन एडियाबेटिक रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाला क्या होता है एडियाबेटिक होता है ना, और नीचे वाला क्या होता है आइसोथर्मल। अब हमें वर्क देखना है तो वर्क देखना पड़ेगा, तो भैया वर्क का मतलब हो जाएगा एरिया ऑन पीवी, एरिया ऑन पीवी कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस। तो किसके अंदर एरिया ज्यादा हो रहा है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर एरिया ज्यादा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल requires more work to be done, compressing the gas through adiabatic process will requires more work to be done। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि adiabatic process का एरिया ज्यादा है। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सही ऑप्शन हो गया 4। आगे चलते हैं, सेक्शन बी में आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36 से सेक्शन बी स्टार्ट होता है, 15 क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो सेक्शन बी के अंदर पहला सवाल जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स से है। थ्री लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रोवन रो टू रो थ्री, इसमें रोवन का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर रो टू का, फिर रो थ्री का, हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सर्फेस टेंशन टी राइज टू द सेम हाइट इन थ्री आइडेंटिकल कैपिलरीज, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 ओबेज, कौन सा रिलेशन। तो सबसे पहले तो एक चीज ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में बेटा क्या बोल रहा है पाई बाई 2 ग्रेटर देन थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। अच्छा अब समझ में आ गया, एक चीज सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 किसके बीच में, किस रेंज के अंदर लाई करेगा। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना चाहिए कि जो लिक्विड है वो राइज कर रहा है, और जब राइज होता है तो जो कॉन्टैक्ट एंगल होता है थीटा वो लेस देन 90 होता है, लेस देन पाई बाई 2 होता है। तो ऑप्शन तो होगा लेस देन पाई बाई 2, मतलब सारे एंगल थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 क्या होने चाहिए लेस देन पाई बाई 2, इतना तो कंफर्म हो गया, मतलब थीटा 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा।
अब बाकी आगे देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड का हाइट होता है एच, है ना, जो हाइट होता है याद कीजिए, तो एच का फॉर्मूला होता था 2T cos θ अपॉन आर रो जी। अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा एच आर एंड टी, ये तीनों कांस्टेंट है। सवाल पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कैसे, सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है, सेम हाइट, आइडेंटिकल कैपिलरीज ट्यूब, तो मतलब सेम वैल्यू सरफेस टेंशन टी, हाइट एच आर, ये सब क्या हो गया कांस्टेंट। तो एच आर टी कांस्टेंट है, तो बच गया कॉस थीटा ऊपर, जी भी कांस्टेंट ही होता है रो। तो हम लोग यहां पे अब क्या देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा अपॉन रो कांस्टेंट, यानी कि कॉस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू। अब तुम सोचो रो बढ़ेगा कब, जब थीटा घटेगा, कॉस थीटा जब बढ़ता है तो कॉस थीटा घटता है, तो थीटा बढ़ने का मतलब कॉस थीटा घटना, 0 से 90 के बीच का बात कर रहा हूं मैं, तो कॉस थीटा बढ़ना मतलब थीटा का वैल्यू घटना, मतलब रो का वैल्यू बढ़ना मतलब थीटा का वैल्यू घटना। तो रो सबसे ज्यादा इसका है तो सबसे कम थीटा का एंगल क्या रिलेशन हो जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 बड़ा हो जाएगा और थीटा 3 बड़ा हो जाएगा और लेस देन पाई बाई 2 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहां पे सही ऑप्शन जो दिख रहा है मुझे वो दिख रहा है सेकेंड ऑप्शन, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या है क्या, नहीं है, चलिए आगे चलते। थर्टी सेवन देख लीजिए, अ ब्लैक बॉडी रेडिएट्स हीट एनर्जी एट द रेट ऑफ, रेट दे रखा है जो एनर्जी रेडिएशन करता है, एट द टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी एट विच द रेट ऑफ हीट रेडिएशन दिस, है ना। तो चलिए रेडिएशन दे रखा है वॉट पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है, तो पी जो होता है वो होता है सिग्मा ई ए टी का पावर 4 और पावर पी अपॉन ए हो जाए प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी का पावर 4 के, है ना, इसको यू बोल देता हूं मैं, यानी कि यू वन अपॉन यू टू क्या है टी वन अपॉन टी टू का पावर 4। चलिए यू वन कितना है जी, दे रखा है रेट ऑफ एनर्जी जो रेट कर रहा है पहले, बाद में कितना टेम्परेचर, पहले कितना, तो पहले था 227 मतलब 273 प्लस 227, बाद में पूछ रहा है पावर हो जाएगा 4। अब 16 तो इधर बचेगा 1/4, इधर बचेगा 500/T2, 4 नहीं जी 16, ठीक है पावर 4, ठीक। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका मतलब 500/T2 जो है वो हो जाएगा 1/2 और T2 हो जाएगा 1000 और डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहते हैं तो 1000 - 273, तो 1000 - 273 हो जाएगा 727, है ना, क्या हो जाएगा 727, तो सही ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3, डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। यहां पे जो टेम्परेचर मिला हमें वो केल्विन में मिला, केल्विन में हम लोग लिखते हैं यहां पे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 38 नंबर, तो 38 नंबर, गॉस लॉ कांट बी यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ कांट बी यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, assertion रीजन का सवाल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो नहीं यूज किया जा सकता, गॉस लॉ किसी भी क्लोज सरफेस पे यूज किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग तभी यूज कर पाएंगे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक हो, है ना, या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, हाँ
इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सोचिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आप एक गॉसियन सरफेस लेंगे तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, तो उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल डोंट हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो दोनों सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 38 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे। इन द सर्किट शोन द सेल ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। वी ए दे रखा है, वी ए 18, ठीक है, आर 1 400 और आर कितना है 200, ठीक है। द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर के अंदर किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब इधर करंट क्या हो गया, जीरो। तो इधर जब करंट जीरो हो गया तो इसी में करंट है ना, तो इसमें करंट है तो आई हम लोग लिख सकते हैं, आई हो जाएगा वी 18 अपॉन आर 1 प्लस आर 2, मतलब 400 प्लस 200, तो 18 अपॉन 600 और हो जाएगा 3 अपॉन 100 0.03 एम्पियर। अब एक करंट आ गया, अब बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ वी वी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा, तो वी वी हम लोग लिख सकते हैं, वी वी क्या हो जाएगा आई इंटू आर, और आई है 0.03 और आर है 200, तो कितना आया 6 वोल्ट। सही ऑप्शन क्या बन रहा है, 6 वोल्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, किसी तरह का कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखेंगे बच्चों, चलिए। फोर्टी नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 है ना, कैपेसिटर का सवाल है। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी शोज इन द फिगर बिलो विल बी। यहां पे एक सर्किट है, एक ईएमएफ का सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है ना। ऑब्वियस सी बात है, कुछ बोला नहीं है, मतलब स्टेडी स्टेट की बात हो रही है ना, स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट पे क्या होता है, कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गया ओपन सर्किट, तो इधर से करंट तो जा नहीं रहा है, तो जो भी करंट है इस तरफ ही है, यहां तो करंट जीरो हो गया, हो गया ना। तो यहां जो करंट आई होगा वो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा ई अपॉन जो भी, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ये सर्किट तो गायब हो गया नीचे वाला, तो रेजिस्टेंस आ गया 8R। और इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस लिखें है ना V, तो V जो हो जाएगा वो हो जाएगा I इंटू 6R, और लिख सकते हो E अपॉन 8R इंटू 6R और 3/4E, ये हो गया V है ना। अब हमें चाहिए क्या, इसके ऊपर हमें लिखना है चार्ज, क्या लिखना है चार्ज। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यों लिखेंगे, तो हो जाएगा C और इंटू इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो यहां पे होगा, तो C इंटू वी, तो C इंटू 3E/4 और 3EC/4 और सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 3CE/4। क्लियर है बच्चों, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर, चलिए तो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। थ्री रेजिस्टेंस 16 ओम 7 ओम 4 ओम आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इफ द पॉइंट एस डिवाइडेड द रेजिस्टेंस 4 इंटू 2 इक्वल हाफ्स द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। बोल रहा है कि यह वाला अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे, आसान है बच्चे, इसको क्या करते हैं सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं। पी है, पी से इधर 16 तो है ही है ना, अब इसको तोड़ दो 2 ओम में, यहां से हाफ दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर पॉइंट हो गया एस है ना, इधर फिर क्या हो जाएगा 2 ओम, ठीक है, और यहां से इधर है 7 ओम, तो आप देखेंगे तो ये हो गया 18 और ये हो गया 9 और इसके अक्रॉस पूछ रहा है हमसे है ना, तो हो जाएगा इस सर्किट का इक्विवेलेंट, इधर 16 प्लस 2
18 और इधर 7 प्लस 2 9, है ना। आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 9, 18 प्लस 9, तो 18 इंटू 9 अपॉन 27, 6 ओम। तो सही आंसर हो जाएगा 6 ओम। तो 41 का क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, आसान सवाल था, कुछ करना नहीं था इसके अंदर, इसको दो पार्ट में सिंपली डिवाइड करना था। 2 ओम इस तरफ आ जाएगा, 2 ओम इस तरफ आ जाएगा। अब 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, 14 प्लस 2 9 हो जाएगा, फिर दोनों का पैरेलल लगा दीजिए, वही किया हमने। क्लियर है, आगे चलते हैं। 42 के अंदर देखिए, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 18 ओम। देखो बेटा, 18 ओम के अक्रॉस लिखो, इसके अक्रॉस लिखो, सब एक ही आएगा, है ना। तो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं सर्किट का। तो 18 और 9, अभी इसके पहले वाले सवाल में, प्रीवियस सवाल में यही आया था, 18 एक तरफ हुआ था और एक तरफ 9 आया था। तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6, और इधर हो गया 6, तो ये क्या हो गया 12, और इस तरफ भी है 12। इसका मतलब 6 एम्पियर इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ जाएगा 3 एम्पियर और इस तरफ भी जाएगा 3 एम्पियर। हमें वोल्टेज पूछा है वी, तो हम लोग वी अगर लिखेंगे, वी इसके अक्रॉस लिखो, इसके अक्रॉस लिखो, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो इसके अक्रॉस या पूरे इक्विवेलेंट के अक्रॉस, सबके अक्रॉस भी सेम ही होगा। तो वी अगर मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगा आई यहां पे जो है इंटू आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इस वाले सर्किट की मैं बात कर रहा हूं। तो आई यहां पे कितना जा रहा है, 3 एम्पियर, ठीक है, कितना जा रहा है 3 एम्पियर, और इक्विवेलेंट कितना, 18 और 9 का कितना हुआ 6, तो कितना आएगा 18 वोल्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3। ये आसान है, इसको अलग निकालने से मेहनत बढ़ेगा, है ना। हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट ही निकाल लेना है, और उससे करंट जा रहा है 3 एम्पियर, तो आई इंटू आर कर देना है ना। ये आसान तरीका है, उसको आप अगर करंट का डिवीजन करते हैं तो करंट के डिवीजन में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। 43, अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज अ करंट आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शनल द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू द केबल विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द केबल इज रिप्रेजेंटेड बाई। ये आप किए होंगे सिलेंड्रिकल वायर के लिए, आपके नोट्स में होना चाहिए, ठीक है, कि अगर ये सॉलिड है, हॉलो रहता है तो अंदर जीरो हो जाता है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आर के साथ वेरी करता है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में बी प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और आउटसाइड में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। तो ये ग्राफ होगा, सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। तो 43 का क्या है, सेकेंड ऑप्शन। ओके, अगले सवाल की तरफ मूव करेंगे, 44 की तरफ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44 में। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 7600 ओम। When the resistance R is connected in series to it, then the current in the circuit will decrease by 5%. Same cell is connected in series in both cases. The value of resistance is, क्या बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है कितना, 7600 ओम, और इसको किसी बैटरी से लगाया, ठीक। तो मान लो करंट कितना आया, I, तो I कितना हो जाएगा, I हो जाएगा E अपॉन 7600, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब क्या बोला कि इसके अंदर अब क्या किया गया कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस R लगा दिया, सेल वही है अभी भी, ठीक है। तो जो करंट है वो बदल गया, वो कितना हो गया, वो 5% से डिक्रीज कर गया, मतलब 95% रह गया, है ना। तो I बाद में जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस 7600, है ना, और ये किसके इक्वल है, पहले वाले करंट के का 95%, 5% से घट गया, तो कितना बचा, 95%, तो इसका 95%, तो E अपॉन 7600
का 0.95। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R इंटू 0.95 प्लस 7600 इंटू 0.95 इक्वल टू 7600। R कैलकुलेट करोगे बच्चे तो R जो आएगा इसमें वो आएगा 400 ओम, है ना। अभी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप चाहो तो मैं कर देता हूँ, तो करना आसान ही है, कर ही देता हूँ। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 7600 माइनस 7600 इंटू 0.95, ये हो गया 7220 अपॉन यहाँ पे हो गया 0.95, तो माइनस ये हो जाएगा बेटा 380, और 380 को 0.95 से डिवाइड करेंगे जब आप तो आएगा 400, ठीक है, तो 400 ओम आएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन क्या हो गया, फोर्थ। किसी तरह का कोई समस्या नहीं, आगे चलते हैं। 45 एज शोन इन द फिगर अ मेटल रॉड मेक्स कॉन्टैक्ट विद पार्शियल सर्किट एंड कंप्लीट द सर्किट। द सर्किट एरिया इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विद वी इक्वल टू 0.5 टेस्ला। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ टोटल सर्किट इज 2 ओम द फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड विद कॉन्स्टेंट स्पीड, है ना। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है इस तरह के सर्किट में, फोर्स क्या होता है, BIL, BI को हम लोग लिख सकते हैं VBL अपॉन R इंटू L, तो हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन R, तो B कितना है 0.5 का स्क्वायर, L कितना है 0.6 का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना है 4 अपॉन R, R करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ रहा है, 2 हो गया, तो ये हो गया 0.25 और हो जाएगा 0.36 और इंटू 2, तो 0.72 इंटू 0.45 ये आएगा 0.18 न्यूटन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 45 का थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 0.18 न्यूटन। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 44 हो गया, किसी तरह का कोई समस्या नहीं है। अगले सवाल के तरफ मूव करेंगे। 46 नंबर सवाल ध्यान से देखिए, बोल रहा है इन अ क्वाइल रेजिस्टेंस 25 ओम द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय द चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज एज शोन इन फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। द मैग्नेटिक चेंज इन फ्लक्स थ्रू द क्वाइल इज, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स डेल्टा फाइव पूछ रहा है थ्रू द क्वाइल, तो डेल्टा फाइव अपॉन आर होता है डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू जो है डेल्टा क्यू हो जाएगा आई डी टी, आई डी टी मतलब एरिया अंडर कर्व, तो एरिया लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ हाफ इंटू, ए ट्रायंगल बन रहा है ए वाला एरिया, है ना, ए वाला एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ 16 और इंटू 0.2 आ जाएगा 1.6, तो एरिया हो गया 1.6 डेल्टा क्यू, तो डेल्टा फाइव जो है वो हो जाएगा डेल्टा क्यू इंटू आर, तो 1.6 और इंटू आर कितना है जी, आर है 25 ओम, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1.6 ये हो जाएगा 40 बीवर, ओके कितना हो जाएगा 40 बीवर। क्लियर है, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन हो गया फर्स्ट ऑप्शन, तो 46 का फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे हम लोग 47। इन अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग पी क्यू आर ऑफ रेडियस 2R इज फॉलिंग विद इट्स प्लेन वर्टिकल इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन फिगर। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रिंग। देखो बेटा इसके इस तरह के जो हमें EMF पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरीके से फॉल कर रहा है तो इसके अंदर EMF जो होता है वो VB, है ना,
होता है ना V क्रॉस V, ऐसे लिखूंगा तो ये हो जाता है V क्रॉस B डॉट DL, है ना। तो DL वेक्टर इसका लेंगे तो DL वेक्टर क्या हो जाएगा, 4R, है ना। तो और वेलोसिटी V हो गया, मैग्नेटिक फील्ड B हो गया और 4R हो गया। बाकी रहा बात डायरेक्शन का, तो अगर आप डायरेक्शन लगाएंगे ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, फॉल कर रहा है वर्टिकली इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव, तो हो जाएगा वी बी इंटू फोर आर, वी बी इंटू फोर आर, वी बी इंटू फोर आर, एंड आर इज एट हाइयर पोटेंशियल, पॉजिटिव है, आर इज एट हाइयर पोटेंशियल की, ठीक है। तो इस तरह से 47 नंबर हो गया। आगे देखते हैं 48। 48 क्या है, अ कॉइल एंड अ कैपेसिटर एंड एसी सोर्स आरएमएस वोल्टेज 36 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हाइल वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स मैक्सिमम आरएमएस करंट 4 एम्पियर इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। इफ दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 18 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम द करंट थ्रू इट विल बी। अब आपको समझना पड़ेगा इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से, क्या बोल रहा है कि कॉइल है, कैपेसिटर है ना, और एक एसी सोर्स है जिसका आरएमएस वोल्टेज 36 वोल्ट है। अब सब सीरीज में कनेक्टेड है, अब फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया, फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखा गया कि जो मैक्सिमम आरएमएस करंट है वो 4 एम्पियर है, तो आई आरएमएस मैक्सिमम कितना है 4 एम्पियर, और वी आरएमएस कितना है 36। अब आर कितना हो जाएगा जी, आप बोलोगे कि बेटा सर बोलोगे कि सर यहाँ पे आप आर कैसे, जेड क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज किया गया, करंट को मैक्सिमम लाया गया, मतलब सर्किट का इम्पीडेंस जीरो किया, सॉरी रिएक्टेंस जीरो किया गया। तो वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस 36 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 9 ओम। तो 9 ओम हमें पता चल गया कि कॉयल का जो रेजिस्टेंस है, आइडियल कॉयल नहीं है, 9 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इस कॉयल को, इसी कॉयल को कनेक्ट कर दिया गया बैटरी से, 18 वोल्ट के बैटरी से जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, तो करंट आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। तो ई हो गया 18 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस कितना आया 9 और बैटरी का 3, तो 18 अपॉन 12 3 अपॉन 2 1.5 एम्पियर। तो सही ऑप्शन क्या बन रहा है यहाँ पे, सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, किसी तरह का कोई समस्या नहीं रहा होगा। चलिए 49, अ रजिस्टर ऑफ 600 ओम एंड इंडक्टेंस 0.75 हेनरी आर इन सीरीज विद एन एसी विच इज गिवन बाय, वोल्टेज दे रखा है, द पावर फैक्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज, पावर फैक्टर पूछ रहा है, पावर फैक्टर होता है, पहले तो आर दे रखा है 600 ओम और एल दे रखा है 0.75, एक्स एल लिख लेते हैं तो ओमेगा इंटू एल हो जाएगा, तो 800 3/4 तो आ जाएगा 600, ठीक है। जेड लिखे, जेड लिखेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर और ये आ जाएगा 600√2। हमसे क्या पूछ रहा है बच्चे, हमसे पूछ रहा है पावर फैक्टर कॉस फाई, कॉस फाई होता है आर अपॉन जेड, आर है 600 और जेड आया 600√2, तो कॉस फाई आया 1/√2, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, तो 49 का सही ऑप्शन बन रहा है फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट क्लियर है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट सवाल है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेन मैग्नेटिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ई नोट दे रखा है, वेरीज विद टाइम एंड प्रोपगेट्स अलोंग जेड एक्सिस द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी अगर लिखेंगे तो हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, ठीक है।
अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, तब आएगा 8.85 into 81 डिवाइडेड बाई 4, ये आएगा बेटा 1.79 आ रहा है, तो 1.8 है ना, और ये हो जाएगा देख लो 10 to the power -10, तो सही ऑप्शन जो होगा 50 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारा सवाल कर लिया, पूरा पेपर डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।